कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर को मंगलवार को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 1,00,000 अतिरिक्त डोज भेजी है। इससे अब जिलों में टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। बीते दिन 25,694 और लोगों ने टीके लगवाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार कल विभाग को कोरोना वैक्सीन की नई खेप में से 74,000 डोज जम्मू संभाग को मिल गई है। सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में बीते दिन एक शक्तिशाली आईडी बरामद कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम बना दिया है। यहां मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को खबर मिली थी कि आतंकी एक बड़े बम धमाके की साजिश को अंजाम देने के लिए पुलवामा में आईडी तैयार कर रहे हैं। कुत्तों और ड्रोन की मदद ली गई। तलाशी लेने पर सुरक्षा बलों ने एक बाग में दाखिल हुए तो उन्हें बड़ी चालाकी के साथ छिपाए आईडी बरामद हुई। केंद्र सरकार ने कोरोना के हालात को गंभीर मानते हुए विदेशों में आपात इस्तेमाल की अनुमति हासिल करने वाले सभी टीकों को देश में मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 पर बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कई राज्य दूसरी लहर के सामने खराब दौर से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच लॉकडाउन लगने के बहस से अब ऑटो और टैक्सियों का रेला उत्तर प्रदेश की ओर रवाना होना शुरू हो गया है। पिछले साल कोरोना काल में 3 महीने ट्रेन बंद थी, इसलिए लोग अब अपने ऑटो टैक्सी से गांव चल पड़े हैं। घर वापसी कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शनी मैदान में चल रहे प्रदर्शन के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। प्रदर्शन कर रहे शराब के व्यापारियों ने केंद्रीय लोक निर्माण के असिस्टेंट इंजीनियर को संदिग्ध समझ घेर लिया, जिसे पुलिस द्वारा छुड़ाया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि संदिग्ध व्यक्ति के पास से 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, जिसमें एक चंडीगढ़ और दूसरा जम्मू का है। SHO नवाबाबाद दीपक जसरोटिया का कहना है कि जिसे लोग संदिग्ध समझ रहे थे, दरअसल वो इंजीनियर है। उसके आधार कार्ड सही है। वो अपने पिता को दूसरे अस्पताल में रेफर करवाने के लिए प्रदर्शन मैदान आया था, लेकिन प्रदर्शन करने वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 130वीं जयंती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही कहा कि बाबा साहेब का संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, मैं आम्बेडकर जयंती पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सिर झुका कर नमन करता हूँ। उन्होंने अपने संघर्ष से समाज के हाशिया पर पहुँच चुके वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, जो हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेपॉक में खेले गए मुकाबले में रोहित और उसकी टीम ने रोमांचक अंदाज में जीत अपने नाम की। कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले में मुंबई की टीम ने गेंदबाजों के दम पर एक शानदार जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस ने चेपॉक में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया। कस्बा अखनूर के ऐतिहासिक स्थल जियापोटा पर संध्या आरती का आयोजन किया गया। इस संध्या आरती पर तपस्या कला संगम के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। आरती में पार्षद शिल्पा महाजन, SDPO वरुण जंडियाल ने चंद्रभागा की आरती की व कोरोना जैसी महामारी खत्म हो और सुख शांति की कामना की। इस मौके पर बड़ी तादाद में गणमान्य लोग उपस्थित थे। शादी समारोह का सीजन शुरू होने वाला है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच शुरू हो रहे सीजन में समारोह के दौरान कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने के साथ मेहमानों की संख्या 200 से अधिक न रखी जाए। समारोह 9:30 बजे तक खत्म किया जाए। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर। देश में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों को लेकर हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और इस दौरान 1,026 मरीजों की मौत हो गई। कोविड-19 महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए कोरोना मरीजों की ये सर्वाधिक संख्या है।